हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज़। दोस्तों, मैंने सोचा है कि मैं अपने हर वीडियो के लास्ट में कोई रियल पैरानॉर्मल फ़ोटो या वीडियो भी आपको दिखाया करूँ, साथ ही मैं आपको उस वीडियो या फ़ोटो के बारे में जानकारी भी दे दिया करूँ, ताकि आपको वीडियो देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आए। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैरानॉर्मल वीडियो और फ़ोटोज़ भी हैं। तो आज की वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको एक रियल पैरानॉर्मल फ़ोटो दिखाऊंगा, साथ ही मैं आपको उस फ़ोटो के बारे में जानकारी भी दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। खैर, अब मैं आपको सुनाता हूँ कुछ रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज़। मेरा नाम बलबीर है। मैं झारखंड राज्य के एक दूरदराज गांव का रहने वाला हूँ, और आज मैं आपको मेरे मामा जी की बताई एक बिल्कुल सच्ची और बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। यह घटना साल 2006 में मेरे मामा जी के गांव में हुई थी, और मेरे मामा जी ने ही मुझे ये घटना बताई भी थी। मैं आपको अपने और अपने मामा जी के गांव का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि इससे हमारे लिए परेशानी हो सकती है। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जिस समय मेरे मामा जी के गाँव में ये घटना हुई थी, उस समय गांव के ज़्यादातर घरों में टॉयलेट नहीं बने थे, इसलिए उन दिनों लोग वॉशरूम के लिए खेतों में जाया करते थे। खैर, अब मैं आपको वो भयानक घटना बताता हूँ। तो बात यह है कि गांव में ज़्यादातर घरों में अपना एक कुल देवता होता है, जो कि उस कुल की यानी कि परिवार की बुरी शक्तियों से रक्षा करता है, और साथ ही परिवार में खुशहाली भी लाता है। सभी परिवार अपने कुल देवता की पूजा करते हैं, और समय समय पर कुल देवता के लिए फल फूल का चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। किसी किसी परिवार में कुल देवता के लिए जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती है। इसी तरह मेरे नाना नानी के घर में भी उनके अपने एक कुल देवता हैं। मेरे नाना नानी के घर में कुल देवता का एक मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर रोज़ कुल देवता की पूजा की जाती है। इसके अलावा जब भी मेरे नाना नानी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तब घर के कुल देवता के लिए एक बकरे की बलि भी चढ़ाई जाती है। तो घटना यह है कि साल 2006 में मेरे मामा जी को एक बेटा हुआ था। बेटा होने की वजह से मामा जी को कुल देवता के लिए एक बकरे की बलि चढ़ानी थी। तब बलि चढ़ाने के लिए मामा जी बाजार से एक बकरा खरीद कर लाए थे। बकरा घर लाने के एक महीने बाद पूजा में उसकी बलि चढ़ाई जानी थी, लेकिन बलि चढ़ाए जाने के 4 दिन पहले ही किसी ने मामा जी का बकरा चोरी कर लिया था। बकरा चोरी हो जाने से मेरे मामा जी बहुत दुखी हो गए थे, क्योंकि वो बकरा बहुत ही महंगा था, और दूसरा बकरा खरीदने के लिए मामा जी के पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। इसके अलावा मामा जी ये भी जानते थे कि अगर वो बकरे की बलि नहीं चढ़ाएंगे तो इससे कुल देवता नाराज़ हो जाएंगे, और कुल देवता के नाराज़ होने से उनके परिवार के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। फिर बकरा चोरी होने के अगले दिन मामा जी कुल देवता के मंदिर गए। मंदिर में मामा जी ने कुल देवता की पूजा की, और फिर उन्होंने प्रार्थना करते हुए कुल देवता से कहा कि हे कुल देवता, जिस बकरे की बलि मैं आपको चढ़ाने वाला था, वो बकरा किसी ने चोरी कर लिया है, इसलिए कृपा करके आप हमसे नाराज मत होइए और हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए। कुल देवता से इतनी प्रार्थना करने के बाद मामा जी घर आ गए। फिर इसके अगले दिन सुबह सुबह ही मेरे मामा जी के पड़ोस में रहने वाली एक औरत अपने घर के बाहर जली हुई हालत में पड़ी हुई थी। वो औरत बहुत बुरी तरह से जली हुई थी, लेकिन वो जिंदा थी। उस औरत को देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। फिर जब उस औरत के परिवार वालों ने उससे पूछा कि उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, तब उस औरत ने जो बताया उसे सुनकर सभी लोग बिल्कुल दहल गए थे। दरअसल उस औरत ने बताया था कि वो रात के समय टॉयलेट करने उठी थी, और जब वो टॉयलेट करके वापस घर जा रही थी, तभी उसने एक बहुत बड़े आदमी को देखा। वो आदमी आकार में बहुत बड़ा और भयानक था, साथ ही उसके शरीर से आग भी निकल रही थी। उस जलते हुए आदमी को देखकर वो औरत बहुत डर गई थी। फिर अचानक ही वो जलता हुआ आदमी उस औरत का गला दबाने लगा। उस जलते हुए आदमी को छूने की वजह से वो औरत भी जलने लगी थी। वो औरत मदद के लिए चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर कुछ देर बाद वो औरत बेहोश हो गई। उस औरत की ये सारी बातें सुनकर मेरे मामा जी समझ गए थे कि जिस जलते हुए आदमी ने उस औरत पर हमला किया था,
वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मामा जी के कुलदेवता थे। मामा जी ये भी जान गए थे कि उस औरत ने ही कुलदेवता पर चढ़ाए जाने वाले बकरे को चुराया होगा, इसीलिए कुलदेवता ने उस औरत पर हमला किया था। इसके बाद मेरे मामा जी के पूछने पर उस औरत ने बकरा चुराने वाली बात स्वीकार कर ली और अपनी इस हरकत के लिए उसने मामा जी से माफ़ी भी मांग ली। दरअसल बात यह थी कि वो औरत मेरे मामा जी के परिवार से बहुत जलती थी, इसीलिए उसने और उसके परिवार वालों ने मेरे मामा जी के बकरे को चुरा कर उसे मार कर खा डाला था। उस औरत ने सोचा था कि बकरा चोरी हो जाने से मेरे मामा जी अपने कुल देवता को बकरे की बलि नहीं चढ़ा पाएंगे, जिससे उनके घर में कुछ बुरा हो जाएगा। उस औरत ने मेरे मामा जी के परिवार का बुरा करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में उसी के साथ बुरा हो गया। खैर, फिर ज़्यादा जल जाने की वजह से कुछ दिनों बाद ही उस औरत की मौत हो जाती है। इसके बाद मामा जी ने पैसों का इंतजाम करके बाजार से दूसरा बकरा खरीदा और उस बकरे की बलि उन्होंने अपने घर के कुल देवता पर चढ़ा दी। आज भी मेरे मामा जी के घर में उनके कुल देवता का मंदिर बना हुआ है और आज भी मेरे मामा के घर में किसी बच्चे के पैदा होने पर बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। मेरा नाम अरविंद विश्वकर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना बताने जा रहा हूँ। जो भूतिया घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ साल 2009 में मेरे गांव में हुई थी। उस समय मैं 13 साल का था, फिलहाल अभी मैं 27 साल का हूँ। तो बात यह है कि साल 2009 में जब मेरे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियाँ हुई थी, तब मैं अपने नाना नानी के घर गया था। मेरे नाना नानी का घर मुस्तफ़ाबाद के एक गांव में है जो कि जौनपुर के पास में ही है। मुझे अपने नाना नानी के यहाँ बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ पर मुझे पढ़ाई करने के लिए अपने मम्मी पापा से ताने नहीं सुनने पड़ते थे। तो बात यह है कि साल 2009 में मैं नया नया साइकिल चलाना सीखा था। उस समय मुझे साइकिल चलाने में बहुत मज़ा आता था। उस समय मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं साइकिल लेकर कहीं भी और कितनी भी दूर जा सकता हूँ। साइकिल चलाने का मेरा यही शौक देखकर मेरे नाना जी ने मुझे एक नई साइकिल दिलाई थी। नई साइकिल मिलने और पढ़ाई की टेंशन ना होने की वजह से मैं नाना नानी के यहाँ पूरा दिन साइकिल चलाता रहता था। तो इसी तरह एक बार मैं साइकिल चलाते हुए नाना नानी के घर से काफ़ी दूर निकल गया था। उस दिन मैं साइकिल चलाने में इतना खो गया था कि मुझे समय का कोई होश ही नहीं रह गया था। फिर जब शाम होने लगी तब मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे वापस घर लौटना चाहिए। इसके बाद मैं तुरंत ही अपनी साइकिल वापस घर की तरफ मोड़ने लगा। लेकिन फिर जैसे ही मैं साइकिल लेकर घर की तरफ चला, वैसे ही मेरी साइकिल की चेन उतर गई। जिस जगह पर मेरी साइकिल की चेन उतरी थी वहाँ पर आसपास सिर्फ खेत खलिहान ही थे। उस जगह पर मेरे अलावा दूसरा कोई भी इंसान नहीं था। फिर साइकिल की चेन उतरते ही मैं तुरंत चैन चढ़ाने की कोशिश करने लगा। मैं काफ़ी देर तक साइकिल की चैन चढ़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार साइकिल की चैन अपने आप ही उतर जा रही थी। उस समय तक अंधेरा होना भी शुरू हो चुका था। अब मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं सोचने लगा था कि शायद अब मुझे पैदल ही घर तक जाना होगा। खैर, फिर जब मैं साइकिल की चैन चढ़ाने की कोशिश कर रहा था तभी अचानक एक आदमी मेरे पास आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर पहले उस जगह पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। फिर ना जाने कहां से अचानक वो आदमी वहां आ गया। वो आदमी 50 से 55 साल का रहा होगा और उसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पायजामा पहन रखा था। वो आदमी दिखने में भी बहुत अजीब था। उसकी खाल का रंग बिल्कुल सफ़ेद था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर में बिल्कुल भी खून ना हो। ना जाने क्यों उस आदमी को देखकर मुझे मन ही मन बहुत डर लग रहा था। वो आदमी मेरे पास खड़ा होकर सीधा मुझे देख रहा था और मैं भी उस आदमी को ही देख रहा था। फिर कुछ देर बाद वो आदमी मुझसे बिना कुछ बोले ही मेरी साइकिल की चैन चढ़ाने लगा। उस आदमी ने तुरंत ही मेरी साइकिल की चैन चढ़ा दी थी। अपनी साइकिल की चैन चढ़ जाने से मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैं अपनी साइकिल लेकर घर की तरफ जाने लगा, लेकिन जैसे ही मैं साइकिल लेकर चला वैसे ही मुझे ख्याल आया कि जिस आदमी ने मेरी साइकिल की चैन चढ़ाई है
मुझे उसको थैंक यू बोल देना चाहिए। फिर जब मैं उस आदमी को थैंक यू बोलने के लिए पीछे पलटा, तब मैंने देखा कि अब वहाँ पर कोई भी नहीं है। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं सोचने लगा कि आखिर इतनी जल्दी ये आदमी गायब कहाँ हो गया। उस आदमी के इस तरह गायब हो जाने से मुझे हैरानी तो बहुत हुई थी, लेकिन अपनी साइकिल ठीक हो जाने से मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मैं चुपचाप अपनी साइकिल लेकर घर आ गया। अपने साथ हुई इस घटना के बारे में मैंने अपने नाना नानी को कुछ भी नहीं बताया। फिर कुछ दिनों बाद मैं दोबारा से साइकिल चलाते हुए उसी जगह गया जहाँ पर मेरी साइकिल की चैन उतर गई थी। फिर जब मैं उस जगह पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर सड़क किनारे वही अजीब आदमी खड़ा है जिसने कुछ दिनों पहले ही मेरी साइकिल की चैन चढ़ाई थी। उस आदमी को देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर इस आदमी से थैंक यू बोल दूँ, क्योंकि आखिरकार उसने मेरी मदद की थी। फिर मैं अपनी साइकिल लेकर सीधा उस आदमी के पास चला गया। उस आदमी के पास जाकर मैंने उससे कहा कि अरे अंकल, उस दिन आप मेरी साइकिल की चैन चढ़ाकर कहाँ चले गए थे? मैं आपको थैंक यू बोलने वाला था, लेकिन आप मुझे कहीं दिखे ही नहीं। मैंने उस आदमी से इतना बोला ही था कि तभी उस आदमी ने मुझसे कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। उस आदमी ने यह बात मुझसे बहुत गुस्से में कही थी, और इतना बोलने के बाद वो आदमी गायब हो गया। वो आदमी मेरी आंखों के सामने ही धुआं बनकर गायब हो गया था। ये पूरी घटना दोपहर के समय हुई थी, इसलिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि मुझे आंखों का धोखा हो गया हो। फिर उस आदमी को ऐसे गायब होता देखकर मैं समझ गया कि वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। इसके बाद मैं बहुत तेज साइकिल भगाते हुए सीधा अपने घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचकर मैंने इस घटना के बारे में अपने नाना नानी को भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं इस घटना के बारे में नाना नानी को बताऊंगा तो वो मुझे डांट लगाएंगे। इस घटना के बाद मैं दोबारा कभी उस जगह नहीं गया जहां पर मुझे वो आदमी दिखाई दिया था। मेरे साथ हुई ये एक बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल घटना है। मेरा नाम देवेश चटर्जी है, मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, और आज मैं आपको मेरे और मेरे मामा के लड़के के साथ हुई एक बहुत ही डरावनी घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना हमारे साथ साल 1999 में मेरे गांव में हुई थी। जिस समय मेरे साथ ये घटना हुई थी उस समय मैं सिर्फ 15 साल का था। तो बात यह है कि साल 1999 में जब मेरे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियाँ हुई थी, तब मैं अपने गाँव गया था। मेरे गांव में मेरे नाना नानी, मामा मामी और मामा मामी का एक लड़का भी है। मेरे मामा के लड़के का नाम शिवम है और वो भी लगभग मेरी ही उम्र का है। तो हुआ ये था कि जब मैं गांव गया था तब एक बार दोपहर को मैं और शिवम कुछ सामान लेने बाज़ार गए थे। बाज़ार मेरे गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए हम दोनों एक साइकिल लेकर बाज़ार गए थे। बाजार में सामान खरीदते खरीदते हमें काफ़ी देर हो गई। फिर शाम के 7 बजे हम दोनों बाज़ार से घर लौटने लगे। गांव में लोग रात को बहुत जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं, इसलिए शाम के 7 बजे भी गांव में बिल्कुल सन्नाटा हो गया था। मैं और शिवम जिस सड़क से घर आ रहे थे वो सड़क बहुत ख़राब थी, और स्ट्रीट लाइट न होने की वजह से वहाँ पर अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा था। हालाँकि आसमान में चाँद निकला हुआ था जिस वजह से हमें रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा था। बाजार से घर वापस आते समय साइकिल शिवम चला रहा था जबकि मैं साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठा हुआ था। रात के सन्नाटे में हम दोनों साइकिल से अपने घर की तरफ बढ़े जा रहे थे कि तभी अचानक हमें सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। वो औरत सड़क किनारे खड़ी होकर जोर जोर से रो रही थी। उस औरत को इस तरह रोता हुआ देखकर शिवम ने साइकिल रोक दी। शिवम को लगा था कि शायद ये गांव की ही कोई औरत है जो किसी परेशानी में है, इसलिए उस औरत की मदद करने के लिए उसने साइकिल रोक दी थी। फिर साइकिल रोकने के बाद शिवम ने उस औरत से कहा कि क्या हुआ चाची, आप रो क्यों रही हैं? जिस समय शिवम ने उस औरत से ये बात कही थी उस समय उस औरत की पीठ हमारी तरफ थी और उसका चेहरा सामने की तरफ था। फिर शिवम की बात सुनकर सड़क किनारे खड़ी वो औरत हमारी तरफ घूम गई, और तब हम दोनों ने उस औरत का भयानक चेहरा देखा।
उस औरत की गर्दन बहुत लंबी थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। ये भयानक नज़ारा देखकर डर के मारे मेरी जान मेरे हलक में आ गई थी। उस औरत का ऐसा भयानक रूप देखकर शिवम भी बहुत डर गया था। फिर तभी शिवम ने मुझसे कहा कि देवेश जल्दी साइकिल पर बैठ। शिवम की बात पर मैंने कहा कि भाई मैं साइकिल पर बैठा हूँ, तू जल्दी साइकिल भगा। इसके बाद शिवम ने बहुत तेज साइकिल भगाई और फिर हम सीधा घर पर जाकर रुके। घर पहुंचकर हमने अपने साथ हुई ये घटना घर वालों को भी बता दी। हमारी बात सुनकर घर वाले भी बहुत डर गए थे। फिर बाद में जब हमने उस औरत के बारे में जानकारी जुटाई तब हमको पता चला कि कुछ महीनों पहले प्रॉपर्टी के विवाद में कुछ लोगों ने एक औरत को गला दबाकर मार डाला था और जिस जगह पर हमने उस औरत को देखा था उसी जगह पर उस औरत की लाश पाई गई थी। दुख की बात तो यह है कि जिन लोगों ने उस औरत की जान ली थी उन लोगों के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो दोस्तों ये थी आज की 3 रियल हॉरर स्टोरीज और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक असली पैरानॉर्मल फोटो। तो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर एक फोटो देख सकते हैं। इस फोटो में आपको पेड़ों से घिरे एक रास्ते पर हरे रंग की धुंध दिखाई दे रही होगी। दरअसल ये फोटो अमेरिका के टोरंटो नेशनल फॉरेस्ट की है। जिस शख्स ने ये फोटो खींची थी उसने बताया था कि वो हाइकिंग के लिए टोरंटो नेशनल फॉरेस्ट गया था और टोरंटो नेशनल फॉरेस्ट में हाइकिंग के दौरान ही उसने हरे रंग की एक अजीब सी धुंध भी देखी थी। उस शख्स ने यह भी बताया था कि जिस समय उसको ये हरी धुंध दिखाई दी थी उस समय जंगल पूरी तरह से शांत हो गया था और साथ ही न जाने क्यों उसको एक अजीब सी घबराहट भी हो रही थी। फिर कुछ सेकंड्स बाद ही वो हरी धुंध गायब हो गई थी। उस धुंध के गायब हो जाने के बाद जंगल की आवाज़ फिर से लौट आई थी। उस शख्स ने बताया था कि उसके साथ पहले कभी ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी और वो आज भी नहीं समझ पाया है कि आखिर वो हरी धुंध थी क्या। खैर दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और इस धुंध की फ़ोटो के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।